दोस्तों ये है सोलांग वैली और इस जगह का नाम है सोलांग गांव, जो पूरी तरह से एडवेंचर एक्टिविटी वाला पार्क बन चुका है और ये मनाली की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस में हो चुका है, जिसकी दूरी मनाली से मात्र 13 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मनाली से यहाँ तक पहुँचने के रास्ते से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आज हूँ मनाली में। पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े पहाड़ जिनकी चोटियाँ पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई है, और मैं आज विजिट करने वाला हूँ मनाली की बहुत ही फेमस जगह जो जिसका नाम है सोलांग वैली, क्योंकि मनाली की ज़्यादातर एडवेंचर एक्टिविटी होती है सोलांग वैली में। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सही जानकारी दे पाऊँ ताकि आपका जो टूर है मनाली या सोलांग वैली का वो वर्थफुल हो। देखते हैं, कुछ 13-14 किलोमीटर का रास्ता है, कितनी देर कितने समय में मैं पूरा करता हूँ। मेरे पास बाइक है। जब ज़्यादा स्नो हो जाती है तो ये बर्फ़ हटाने वाली मशीन से बर्फ़ हटाई जाती है। अभी ऊपर की तरफ कुछ रास्ते बंद है जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा हो रखी है, तो उसकी वजह से गाड़ी को मशीन को भेजा जा रहा है ऊपर की तरफ। तो रास्ते में रुका हूँ, यहाँ पर ब्रेड आमलेट और मैगी वगैरह का स्टॉल है, तो पहले ब्रेड आमलेट खा लेते हैं और फिर चलते हैं ऊँचे ऊँचे बर्फीले पहाड़ों को देखने। और यहाँ पे मुझे भैया मिले हैं जो मेरे ही राज्य यानी राजस्थान के हैं, उदयपुर के। क्या नाम भैया अपना? रोहित नाम है मेरा। रोहित नाम है और भैया भी यहाँ घूमने आए हैं या जॉब करते हैं? नहीं, यहाँ घूमने आए हैं, हनीमून ट्रिप पर आए हैं। हनीमून ट्रिप पर आए, तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए, तो राजस्थान के लोग मिले हैं तो वैसे ही खुशी होती है कि अपने अपने जगह का कोई मिलता है। तो ये जगह वैसे अब आप समझ सकते हैं कि मनाली और इसका आसपास का एरिया हनीमून कपल मतलब यानी कि हनीमून टूर के लिए काफ़ी फेमस हो चुका है। दोस्तों मैं भी आपसे यही कहूँगा, आप भी रुकते रुकते जाइए, सफ़र का पूरा मज़ा लेते हुए जाइए, नज़ारों को देखिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें मिले तो उनको खाते हुए जाइए, क्योंकि वहाँ पहुँच के तो एंजॉय करना ही है, बाकी जो रास्ते का अपना मज़ा होता है ना वो अलग ही मज़ा होता है। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। चलो, तो बर्फीले पहाड़ अपना इंतज़ार कर रहे हैं और चलते हैं और बर्फ का मजा लेते हैं। तो इस तरह के जिप लाइनिंग पॉइंट बने हुए बीच बीच में, आप वहां पर जरूर रुकना चाहेंगे और रुकते रुकते जाइए, आराम से एंजॉय करते हुए जाइए। और सोलांग वैली में एक छोटा डैम भी बनाया जा रहा है ताकि यहां पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी को और बढ़ावा मिल सके। अभी मैं जिस जगह आया हूँ वहाँ से सोलांग वैली मात्र 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरे पीछे जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज एक मूवी और उसके अलावा भी कई मूवी में आ चुका है, पर एक मूवी है टेंगो चार्ली, और उस मूवी में अजय देवगन बम लगाता है ब्रिज के नीचे, ये ब्रिज वही है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ सोलांग वैली के उस फेमस प्लेस पर जो आपने कई वीडियो में या कई जगहों के बारे में इसके बारे में देखा होगा। सामने लिखा है रोप वे एंड स्की सेंटर, इसके लिए आपको यहाँ से रोप वे लेके जाना पड़ेगा ऊपर तक, और यहाँ आप पैराग्लाइडिंग वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं पैराशूट से। पीछे बने काउंटर पे मैंने पता कर लिया है, दो तरह की यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है पैराशूट से। एक तो जो पीछे से दिखाई दे रही है आपको, ये 1000 रुपीज़ में होती है। दूसरी होती है रोप वे से ऊपर जाना, ऊपर जाके कराई जाती है और उसके 3500 रुपये चार्ज है, और उसमें रोप वे का आना जाने का चार्ज जो भी है वो उसमें इंक्लूड है। और ऊपर की तरफ कोई एक्टिविटी नहीं होती है, आपको सिर्फ वहाँ पैराग्लाइडिंग के लिए लेके जाएंगे, उसके अलावा कोई और एक्टिविटी वहाँ होती नहीं है। जो एक्टिविटी होती है नीचे सोलांग वैली या सोलांग गाँव में होती है। दोस्तों कुछ यहाँ पर ATV वाली एडवेंचर भी आप कर सकते हैं जिसका 1500 रुपये चार्ज है, और शिव मंदिर एक ऊपर जगह है, लगभग आना जाना 5 किलोमीटर है, और ऑफ रोडिंग करके लेके जाते हैं ये अगर आप खुद भी चलाना चाहें तो। इनके अलावा यहाँ पर याक्स हैं, अगर आप चाहें इनके साथ में फ़ोटो खिंचाना या राइडिंग करना तो वो भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी वीडियो सोलांग वैली की, जो मनाली का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ज़रूरी जानकारी आप तक पहुँची होगी। अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं सोलांग वैली से जुड़े हुए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अगले सफ़र में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। बाय। अगर आपको बर्फ़ देखना है तो फिर उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अटल टनल को क्रॉस करके खुकसर, और वहाँ तक जाने के लिए किसी प्रकार के पास की ज़रूरत नहीं है। 30 किलोमीटर का लगभग रास्ता है और बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है, मतलब पहाड़ी जगहों के हिसाब से अगर रास्ता बहुत अच्छा है, हाईवे है जैसा है, बिल्कुल आप जाएँ आराम से। और अगर आप घूमना चाहें वहाँ तो कुल मिला करके 3 घंटे में घूम करके वापस भी आ सकते हैं आप।